friends, I am back with the another video, and this time it is for 10th CBSE and the chapter is Nationalism in Europe जो कि बहुत ही important है और students को इस chapter में बहुत ही ज्यादा problems देखनी पड़ती है, उन्हें याद ही नहीं होता है ये chapter. तो मैं एकदम easily आपको पूरा chapter in detail जो है वो समझाने वाला हूँ through synopsis, क्या क्या कौन कौन आए, कौन कौन personalities थी, उनके बारे में आपको मैं पूरा वीडियो लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करूंगा. ध्यान से देखिए क्या क्या मैंने पढ़ाया है, आपको गारंटी देता हूं कि ये चैप्टर जो है आपको उंगलियों पे याद हो जाएगा. तो देखिए हम चालू करते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में. तो देखिए आपको इंपॉर्टेंस बताता हूं मैं क्या है इस चैप्टर का. अगर सैंपल पेपर की हम बात करें, ठीक है, सैंपल पेपर जो है हमारा जो 2021 का आया जो है उसके अंदर हमें 9 मार्क्स का दे रखा है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए आपको एक दो एमसीक्यू पूछे गए हैं, 2 एमसीक्यूज आर आस्क्ड, देन 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड देन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया है. तो टोटल सैंपल पेपर में आपको 9 मार्क्स का दे रखा है, तो ये चैप्टर जो है श्योर शॉट हमें करके ही जाना है फॉर 9 मार्क्स. तो देखिए चलो अब हम देखते हैं क्या है नेशनलिज्म इन यूरोप. तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेशनलिज्म इन यूरोप की, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखा है फ्रेडरिक चर्यू के बारे में. तो फ्रेडरिक चर्यू जो थे वो एक पेंटर थे और उन्होंने एक ड्रीम विजुअलाइज किया था, उन्होंने 4 प्रिंट्स निकाली थी और एक ड्रीम विजुअलाइज किया था. यहाँ पे देखिए आपको ये चीज जो है वो दे रखी है, तो उस ड्रीम का एक्सप्लेनेशन हमें पूछ सकते हैं क्या थीम थी इस पेंटिंग की या प्रिंट की. तो सबसे पहले देखिए फ्रेडरिक चर्यू एंड हिज ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के बारे में दे रखा है. तो सबसे पहली बात याद रखना है फ्रेडरिक चर्यू जो है वो एक पेंटर थे एंड नेक्स्ट उन्होंने एक ड्रीम विजुलाइज किया था रिलेटेड टू डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. ये अच्छे से हमें याद रखना है ड्रीम जो है वो क्या विजुलाइज किया था. अब हम देखते हैं थीम ऑफ प्रिंट के बारे में, इससे हमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसीलिए हमें अच्छे से याद रखना है और क्या थीम है. सबसे पहला पॉइंट आपको दे रखा है द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका. तो यहाँ पे ये देखिए आपको यहाँ पे ये चीज जो है वो पूरी दे रखी है. तो यहाँ पे पीपल ऑफ अमेरिका के बारे में आपको बताया गया है कि यहाँ पे पीपल ऑफ अमेरिका जो है मैन एंड वुमेन ऑफ डिफरेंट एजेस जो है, डिफरेंट ग्रुप जो है वो एक ट्रेन में यानी कि क्यू में खड़े हैं. ये देखो आपको दिख ही रहा है, एक क्यू में खड़े हैं और वो होमेज या रिस्पेक्ट दे रहे हैं हमारे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को. फर्स्ट पॉइंट, लॉन्ग ट्रेन लॉन्ग क्यू है और पीपल जो है वो होमेज दे रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को. सेकेंड पॉइंट देखिए अ फीमेल फिगर इज शो. ये देखिए आपको फीमेल फिगर जो है वो दे रखी है, दैट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी. और हमें याद रखना है उनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है एंड दूसरे हाथ में चार्टर्स ऑफ मैन राइट है. ये देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट एंड दूसरा जो है वो चार्टर्स मैन राइट जो है वो दे रखे हैं. और यहाँ पर स्टैचू जो है वो फीमेल एलिगरी है या फीमेल फिगर है, बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे हम फीमेल एलिगरी को एज अ लिबर्टी जो है वो रिप्रेजेंट करते थे. नेक्स्ट पॉइंट देखिए ऑन द अर्थ लाइक शैटर्ड और ब्रोकन रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन. एब्सोल्यूटिस्ट का हमें मीनिंग अच्छे से याद रखना है. एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है मोनार्कियल रूल, जहां पे मोनार्की जो है वो सिर्फ अपना ही रूल चलाता है और किसी की चलने नहीं देता है. तो ऑन द अर्थ यहाँ पे देखिए आपको ये चीज जो है दे रखी है. यहाँ पे आपको जो भी उनके ताज है, क्राउन्स है, उनकी तलवारें हैं, स्वॉर्ड्स है, वो पूरी तरीके से ब्रोकन है और वो ये बताता है दिस इज द एंड ऑफ मोनार्कियल पीरियड. नेक्स्ट हमें दे रखा है यूटोपियन विजन. यूटोपियन विजन जो है ये भी हमें डेफिनेशन में पूछ सकते हैं. यूटोपियन विजन का मतलब होता है एक आइडियल और परफेक्ट सोसाइटी जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट उनका ड्रीम था इसीलिए ये एक विजन है यूटोपियन विजन. वहां पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशन वॉकिंग टूवर्ड स्टैचू ऑफ लिबर्टी. ये देखिए वो सब जो है वो कहाँ पर जा रहे हैं, अलग अलग नेशंस के लोग जो है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के वहां जा रहे हैं. एंड ये हमें कैसे पता चलता है, ये जो डिस्टिंक्शन है कि अलग अलग लोग हैं
वो उनकी ड्रेसेस से, उनके फ्लैग से पता चलता है कि अलग अलग कंट्रीज के लोग जो है वो मेज इन स्टेचू ऑफ लिबर्टी के वहां जा रहे हैं। तो ये हमारा फ्रेडरिक सरू जो कि पेंटर था उसके बारे में दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको फिफ्थ पॉइंट जो है वो दे रखा है, फ्रॉम द हेवन क्राइस्ट। ये देखिए आपको यहाँ पे ये चीज, ठीक है, जो भी क्राइस्ट जो है, सेंट्स है, एंजल जो है, वो सबको इनको देख रहे हैं और वो ये बता रहे हैं दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट ने इस तरीके से पेंट या विजुअलाइज किया है कि हम सब एक हैं, वी आर फैमिली, फ्रेटर्निटी मीन्स हम सब एक है, ब्रदरहुड। तो ये पांच पॉइंट जो है हमें थीम के एकदम अच्छे से याद रखने हैं। अब इंपॉर्टेंट मीनिंग आपको बताया, ये एब्सोल्यूटिस्ट जो कि से मनार्कियल गवर्नमेंट का रूल होता है, सेंट्रलाइज रूल होता है विद द यूज ऑफ मिलिट्री और काफी ज्यादा रिप्रेसिव होता है। नेक्स्ट यूटोपियन जो कि एक आइडियल विजन है, उसके बारे में हमें एग्जाम में या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो देखिए आपको शॉर्ट में कैसे करना है, फ्रेडरिक सरू जो कि एक पेंटर थे उन्होंने फोर प्रिंट लिखी और उनका वन ऑफ द प्रिंट जो था जिसका नाम था ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। देन हमने थीम्स पढ़ी, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट हमने देखा कि मैन एंड वुमेन जो है ऑफ ऑल एजेस जो है वो एक क्यू में खड़े एक ट्रेन है और वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे हैं। नेक्स्ट फिगर फीमेल फिगर को रिप्रेजेंट किया गया है एज अ लिबर्टी, उनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर्स ऑफ मैन राइट है। नेक्स्ट ग्राउंड में अर्थ पे एब्सोल्यूटिस्ट के जो ब्रोकन सिंबल्स जो है वो रखे गए हैं। नेक्स्ट यूटोपियन विजन एक आइडियल विजन जो है वो बताया गया है। और फिफ्थ पॉइंट जो कि है स्काई फेस सेंट्स और वो क्राइस्ट जो है वो फ्रेटर्निटी का सिंबल जो है वो बता रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट। तो हमें ये कभी एग्जाम में भी पूछ सकते हैं डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग क्या है, यहां से ही हम डायग्राम से ही समझ लेते हैं। मॉडर्न स्टेट जो है वो एक सेंट्रलाइज पावर है, एक सेंट्रलाइज रूल है जो कि सारे टेरिटरी पे, अलग अलग टेरिटरी पे, डिफाइंड टेरिटरीज जो है उस पर एक ही पावर जो है वो रूल करता है। दिस इज मॉडर्न स्टेट। अगर हम नेशन स्टेट की बात करें तो अगर कोई मॉडर्न स्टेट है और उसके अंदर ये क्वालिटीज है, रूलर्स प्लस साथ ही में सिटीजन जो है वो रूल करते हैं और वो अपने शेयर्ड आइडेंटिटी के थ्रू, कॉमन आइडेंटिटी के थ्रू, शेयर्ड हिस्ट्री के थ्रू एक साथ रहते हैं, जहां पे कोई सिंगल रूल नहीं है, वो बन जाता है हमारा नेशन स्टेट। इन शॉर्ट हमें ये याद रखना है हम नेशन स्टेट में साथ साथ है, कोई डिफरेंट लैंग्वेज नहीं, हमें साथ में ही रूल करना है, इसे बारे में दिया गया है। आई होप आपको मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट जो है वो क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं, यहां से शुरुआत होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि हमने नाइन्थ में भी देखा था, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन देखा था हमने, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमें यही पॉइंट दे रखा है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, डैश इज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो सबसे पहला लोग जो है वो रिवोल्ट तब करने लगे थे जब फ्रेंच लोग जो है वो रिवोल्यूशन करने लगे इन फ्रेंच। तो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन। और पहले की बात करें, फ्रेंच रिवोल्यूशन से पहले की बात करें तो हमने देखा ही है लुई 16 जो है वो रूल करते थे और वो एक फुल फ्लेश टेरिटरी थी 1789, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। अब लोगों ने रिवोल्यूशन किया, उसकी वजह से पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसकी वजह से क्या रिजल्ट रहा, सोवरेनिटी जो है वो ट्रांसफर हो गई मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। नेक्स्ट टॉपिक है द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम। फ्रेंच रिवोल्यूशन जब हुआ, जब उन्हें जीत मिली तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया सबके सामने कि अब से हम ही बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन ही हम नेशन बनाएंगे और इसकी किस्मत या डेस्टिनी जो है वो हम ही शेप करेंगे। मेन एम अच्छे से याद रखना है, हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशनरी। तो सबसे पहला हमने पहले ही पढ़ लिया है टू ट्रांसफर सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, और लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और बिलोंगिंग लानी है, हम साथ साथ है, ये हमेशा याद रखना है कि अगर हमें एक साथ नेशन में रहना है और रिवोल्यूशन करना है तो हमें सबको एक साथ रहना पड़ेगा। शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, देखो आपको दे रखा है फ्रेंच रिवोल्यूशन फर्स्ट एक्सप्रेशन हुआ,
नेक्स्ट यही चीज 1789 में रिजल्ट क्या था, मोनार्की जो है वो किसमें शिफ्ट हो गई, फ्रेंच सिटीजन में, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन में। नेक्स्ट हमने देखा मेन एम ऑफ एफआर, उसके अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि मोनार्की जो है सेम टू फ्रेंच सिटीजन में हो गई। नेक्स्ट हमने देखा क्रिएशन ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, हम साथ साथ हैं, हम साथ ही रहेंगे और एक साथ जो है वो मोनार्कियल रूल के या डिक्टेटरियल रूल के खिलाफ जो है वो लड़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट टॉपिक हम अब देखते हैं, दिस इज वेरी कॉमन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। क्या क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो है वो लेकर आए थे ताकि के वो एक स्टेट जो है उसको अच्छे से मैनेज कर सके। तो देखिए हमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, वेरियस स्टेप्स वर टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमंग द पीपल। ये हमें काफी बार पूछते हैं 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, तो ये करके ही जाना है एग्जाम में। तो सबसे पहला देखते हैं आइडिया ऑफ ला पैत्रे, पैत्रे पैत्रे जो है वर्ड आया है पित्र, पित्र मींस फादरलैंड। ये देखिए द फादरलैंड एंड ले सिटियन, ले सिटियन मींस द सिटीजन, ले मींस द एंड सिटियन मींस सिटीजन। तो वहां पर वो कॉन्सेप्ट लेकर आए आइडिया ऑफ ला पैत्रे एंड ले सिटियन ताकि के हम फोकस कर सके या एम्फसाइज कर सके कि हम सब एक हैं और हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि मोनार्कियल रूल का जो फ्लैग जो था, रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग जो था, जिसको रिप्लेस कर दिया गया न्यू फ्रेंच कलर से, न्यू फ्रेंच फ्लैग से जो कि ट्राई कलर था, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट एक एस्टेट जनरल जो थी अलग अलग एस्टेट की, इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन और इसका नाम हो गया नेशनल असेंबली। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, ये एक ही पॉइंट है बिकॉज आपको इजीली याद हो इसलिए मैंने एक ही पॉइंट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। न्यू हिम्स, अलग अलग सॉन्ग्स बनाए गए ताकि के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स आ सके, ओथ्स लिए गए, प्रोमिसेस ली गई कि हम हमारे देश के लिए ही काम करेंगे, लड़ेंगे। नेक्स्ट मार्टियर्स जो है जो हमारे देश के लिए लड़े हैं और मर गए हैं, शहीद जो हैं उन्हें रिस्पेक्ट या कॉमेमोरेट किया गया नेशन के नाम पर। नेक्स्ट है एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया ताकि के सब काम जो है वो सेंट्रली हो और उसके अंदर यूनिफॉर्म लॉज जो है वो सारे सिटीजन के लिए, सिंगल लॉ जो है वो बनाए गए, यूनिफॉर्म एंड सिंगल सिंगल लॉज जो है वो बनाए गए। नेक्स्ट है इंटरनल कस्टम ड्यूटी, जब भी कोई गुड्स जो है हम लेकर आते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटीज एज अ टैक्स जो है हमें पे करनी पड़ती, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ने इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो है उसे भी अबॉलिश किया सिस्टम में और एक सिंगल सिस्टम लेकर आए वेट्स एंड मेजर्स का। बहुत ही अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम हुआ करते थे, अलग अलग वेट्स हुआ करते थे एक ही कंट्री में, तो इसीलिए यूनिफॉर्म वो सिस्टम लेकर आए। नेक्स्ट है एट रीजनल डायलॉग्स के, हम जो है हमारी जो हम खुद अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं उसको डिसकरेज किया गया और एक कॉमन लैंग्वेज वो लेकर आए, फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसको प्रमोट किया कि अब हम सब फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलेंगे, कोई भी अलग अलग लैंग्वेज नहीं बोलेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, रिवॉल्यूशनरी ने ये डिक्लेयर किया कि ये एक मिशन है और डेस्टिनी है कि हमें अब यूरोप के पीपल को फ्री करना है डिस्पोटिज्म से या मोनार्कियल रूल से और दूसरे यूरोपियन रीजन को भी पूरा फ्री करना है और नेशन स्टेट जो है वो बनाना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देखते हैं इसको शॉर्ट में कैसे हमें याद करना है। सबसे पहला हमें याद रखना है हम साथ साथ है, ओके, दैट इज क्रिएटिंग ऑफ कलेक्टिव यूनिटी और बिलोंगिंग। तो सबसे पहला आइडिया ऑफ ला पैत्रे एंड ला सिटियन, नेक्स्ट रॉयल फ्लैग को कन्वर्ट कर दिया गया ट्राई कलर में, नेक्स्ट एक बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन जो है वो इलेक्ट करी एस्टेट जनरल बनाया गया और उसको रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली। नेक्स्ट हिम सॉन्ग्स एंथम्स लिए गए, ओथ्स लिए गए और मार्टियर्स को कॉमरेट किया गया। नेक्स्ट एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो बनाया गया, यूनिफॉर्म लॉज लेकर आए, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स जो है वो लेकर आए और कस्टम ड्यूटीज जो है उसको, कोई भी हम कस्टम ड्यूटीज जो है उसको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया और हम अपनी ही लैंग्वेज बोलेंगे, फ्रेंच एक कॉमन लैंग्वेज जो है वो बोलेंगे, अलग अलग लैंग्वेज जो है वो नहीं बोलेंगे, उसके बारे में आपको दिया गया है। आई होप आपको ये शॉर्ट में सिनॉप्सिस के थ्रू समझ में आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं जैकोबिन्स क्लब्स के बारे में, जो कि हमने 9th में भी पढ़ा था, सेटिंग अप ऑफ और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जैकोबिन क्लब्स। तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला हम समझते हैं जैकोबिन्स का मतलब क्या है, वो रिवॉल्यूशनरीज थे
जिनका एम ये था कि हम रिपब्लिक नेशन जो है वो बने, रिपब्लिक बने और किंग या मोनार्की रूल को एंड करे। तो जेकोबिन्स का मतलब ये है कि हमें मोनार्की सिस्टम को पूरी तरीके से एंड करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स हम देखते हैं, जब न्यूज जो है फ्रांस इवेंट जो हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, अलग अलग सिटीज के अंदर पहुंची, तो स्टूडेंट्स अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है वो सब इनसे बहुत ही इंस्पायर हुए और वो जैकबिन क्लब जो है वो एस्टैब्लिश करने लगे कि हमें अब हमारे राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें मोनार्कियल रूल जो है वो बिल्कुल नहीं चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जो एक्टिविटीज और कैंपेन्स जो हुए थे, जो जैकबिन क्लब्स के मेंबर्स जो थे उन्होंने बनाए थे, उसकी वजह से फ्रेंच आर्मीज जो है वो कहाँ तक पहुंची रिवॉल्यूशन लेके, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पार्ट ऑफ इटली इन 1790s। नेक्स्ट, विद द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी वॉर्स, जो जैकबिन क्लब्स के मेंबर्स जो थे उन्होंने रिवॉल्यूशन लड़ा, फ्रेंच आर्मीज जो है वो अलग अलग जगह जहां जाकर अपना नेशनलिज्म का, अलग अलग अब्रॉड जाकर नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो फैलाने लगी कि हमें मोनार्कियल रूल की जरूरत नहीं है। तो एकदम इजी है, सबसे पहला जैकोबिन क्लब फॉर्म किए गए स्टूडेंट्स ने, मेंबर्स ने, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने, और उनका एम यही था कि हमें मोनार्कियल सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से एंड करना है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्टे का। ये भी काफी बार पूछते हैं एग्जाम में, सिविल कोड के बारे में हमें बहुत बार पूछते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं नेपोलियन के बारे में, उनकी हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहला नेपोलियन जो थे वो एक फ्रेंच स्टेट्समैन थे, स्टेट्समैन का मतलब हम बोल सकते हैं लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, और वो एक मिलिट्री लीडर भी थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे एंड मिलिट्री लीडर भी थे, जो कि फ्रांस में आए थे। उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्यूशन या कैंपेन्स जो है वो लड़े ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर, और वो उन्हें काफी ज्यादा सक्सेस मिली, वो बहुत सारे एरियाज को कॉन्कर कर पाए। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें ये डायरेक्टली पूछ लेंगे और यहाँ पर पूछ सकते हैं हमें जस्टिफाई, ओके, यहाँ पे हमें पूछ सकते हैं, यहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। नेपोलियन हैड नो डाउट, नेपोलियन जब रूल करने आया तो उन्होंने नो डाउट डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय तो किया था, लेकिन कुछ कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में लेकर आए थे। तो बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैज इनकॉर्पोरेटेड बहुत सारे चेंजेस जो है, रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल जो है वो लेकर आए थे। तो हमें याद रखना है ये, नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय तो किया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की बात करें तो उन्होंने कुछ कुछ पॉजिटिव चीजें जो है वो लेकर आए थे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म, ये जो चेंजेस जो है वो लेकर आए थे, वो था सिविल कोड ऑफ 1804, और इसे हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, बिकॉज हमें एग्जाम में ये चीज पूरी पूछी जाएगी और हमें जस्टिफाई करना है, तो इसमें हमें सिविल कोड के बारे में लिखना है। देखिए सबसे पहला हम फीचर्स देखते हैं, क्या क्या फीचर्स है नेपोलियनिक या सिविल कोड के। सबसे पहला, ये एक ही सेंटेंस है, आपको याद रहे इसलिए मैंने अलग 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला, जब नेपोलियन आया और नेपोलियनिक कोड आया, तो जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या एडवांटेजेस या प्रिविलेजेस दिए गए थे वो पूरी तरीके से, बेस्ड ऑन बर्थ जो थे प्रिविलेजेस, वो पूरी तरीके से रिमूव हो गए या एबॉलिश हो गए। नेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो सिस्टम आ गया, सब जो है वो इक्वल है कानून के लिए। नेक्स्ट, सबको राइट टू प्रॉपर्टी का हक दिया गया। तो ये कोड जो है वो कहां पर हुआ, पूरे फ्रेंच में, फ्रेंच कंट्रोल जहां पर है ये कोड लागू कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में और जर्मनी में नेपोलियन कोड से क्या बेनिफिट हुआ। सबसे पहला, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था वो पूरी तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट, जो फ्यूडल सिस्टम जो है, देखो आपको यहाँ पे दे रखा है कौन किसके अंडर काम कर रहा है, किंग जो है, नोबल जो है वो किंग के अंडर काम करते हैं, नाइट जो है वो नोबल्स के अंडर, और पीजेंट जो है वो नाइट के अंदर। तो ये फ्यूडलिज्म सिस्टम था, तो इसको पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया, और पीजेंट्स को, फार्मर्स को पूरी तरीके से जो उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता था या टैक्सेस पे करने पड़ते थे, सर्वडम और मिनरल ड्यूज जो है वो पूरी तरीके से उन्होंने अबॉलिश कर दिए। नेक्स्ट, टाउन्स की अगर हम बात करें तो गिल्ड, जो कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो था, जो कि मर्चेंट्स पर कंट्रोल करता था, वो भी रिमूव कर दिए गए। वो सिस्टम लेकर आए यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स का, वो सिस्टम लेकर आए, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया।
पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर्स, बिजनेसमैन जो है वो इसको पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। न्यू फाउंड फ्रीडम, उनका बिजनेस जो है वो आराम से चल रहा था, बिकॉज सारे ट्रेड बैरियर्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो गया, तो इन्हें वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज मेजर्स, कॉमन करेंसी, अलग अलग करेंसी हुआ करती थी, तो कॉमन करेंसी का रूल आ गया। उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन को, स्मॉल स्केल गुड्स के प्रोड्यूसर्स को बहुत फायदा हुआ, तो इस सिस्टम को उन्होंने वेलकम किया, बिकॉज उसकी वजह से जो भी गुड्स जो था, जो कैपिटल जो था, मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कैपिटल मीन्स पैसा, एक रीजन से दूसरे रीजन बहुत ही फ्रीली होने लगा और उन्हें बहुत ही प्रॉफिट होने लगे, इसीलिए उन्होंने ये सिस्टम को वेलकम किया। अब लेकिन कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें भी थी, जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया। देखते हैं क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं। रिएक्शन ऑफ द पीपल इन द एरियाज कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन, नेपोलियन ने जो एरिया को कॉन्कर किया था उसमें लोगों ने कैसा रिएक्ट किया। सबसे पहला लोकल पॉपुलेशन जो थे उनका रिएक्शन मिक्स था, किसी को ये अच्छा लग रहा था, किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा था। इनिशियली फ्रेंच आर्मी जो थी, लोग सिटीजन्स जो है उन्होंने वेलकम किया उन्हें होलैंड, स्विट्जरलैंड में और ब्रसल्स में एज द हार्बिंजर्स और मैसेंजर्स ऑफ लिबर्टी के, ये हमें अब फ्री करेंगे। लेकिन जैसे जैसे उन्हें पता चला कि ये डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, बहुत ऐसे मेजर जिससे कि वो कंट्रोल हो रहे हैं, उसकी वजह से वो इसे नेगेटिव के फॉर्म में देखने लगे। पॉलिटिकल फ्रीडम जो है उनसे छीन ली गई। कैसे छीन ली गई, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्यों लोग इसे, सिटीजन्स जो है वो इसे डिसलाइक कर रहे थे और लोगों के रिएक्शंस क्या थे। सबसे पहला, नेपोलियन ने टैक्सेस को बढ़ा दिया, सारा बर्डन जो है वो सिटीजन्स पे डाल दिया और सेंसरशिप भी लगा दी, मीडिया पर सेंसरशिप, जर्नलिज्म पर सेंसरशिप लगा दी, तो इसके अगेंस्ट लोगों को दिक्कत थी, उन्होंने रिएक्ट किया। नेक्स्ट, लोकल पीपल को जबरदस्ती वो फ्रेंच आर्मी में रिक्रूट कर देता था ताकि के वो कॉन्कर कर सके, उसे आर्मी जो है वो एक्सटेंड करनी थी, तो जबरदस्ती वो है लोकल पीपल को फोर्स करता था कि आपको आर्मी में ज्वाइन होना ही पड़ेगा। और इस सिस्टम की वजह से जो एडवांटेजेस जो थे वो कहीं ना कहीं दब गए, बिकॉज एस ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा हो गए, आउटवे हो गए। तो ये टॉपिक जो था, दिस इज ऑल रिलेटेड टू नेपोलियनिक कोड एंड नेपोलियन। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो एकदम से अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, हमें किस तरीके से लोग जो हैं उन्होंने नेशनलिज्म जो है वो इम्पैक्ट आया यूरोप में, उसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहला हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टिल मिड 18th सेंचुरी देर वर नो नेशन स्टेट्स इन यूरोप, कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, सब जो है वो मोनार्की के अंदर रूल करते थे, सबको मोनार्कियल पावर के अंदर ही रहना पड़ता था, कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं थे। अब जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जो है वो अलग अलग किंगडम्स में, डचेस में, डचेस का मतलब होता है ड्यूक्स एंड डचेस जो है वो कंट्रोल किया करते थे, और कैंटन्स में डिवाइडेड था, अलग अलग किंगडम्स डचेस और कैंटन्स में डिवाइडेड था, एक स्मॉल स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है कंट्री का उसे कैंटन बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दे वर रूल्ड बाय डिफरेंट रूलर्स, अलग अलग रूलर जो है इसे रूल करते थे, कोई सिंगल रूलर जो है वो नहीं था। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो वो पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक था, ऑटोक्रेटिक किंगडम्स के अंदर था, विद इन द टेरिटरी जहां पर डाइवर्स पीपल या अदर अलग अलग एथनिसिटी के लोग जो है वो रहते थे। नेक्स्ट, दीज पीपल हैड नथिंग इन कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं था, जो कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर हमें नेशनलाइज होना है, नेशनलिज्म की फीलिंग चाहिए, तो हमें, हम साथ साथ है, हमें साथ साथ है। लेकिन यहां पर हमने सारे पॉइंट्स देखे, नेशन स्टेट नहीं था, किंगडम जो है वो डिवाइडेड था, किंगडम्स में, डचेस में, कैंटन्स में, फिर ऑटोक्रेटिक रूल था, यहाँ पे लोग डाइवर्स कम्युनिटी के थे और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। तो जब सब सारी चीजें अलग अलग है तो लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो कैसे आएगी, तो वहां पे उनका कलेक्टिव आइडेंटिटी भी पूरी तरीके से अलग था और सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे और अलग अलग ट्रेडिशन या एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में हमें पूछ सकते हैं, जहां पर अलग अलग लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती थी, तो हमें ये एग्जाम में पूछते हैं। द हैब्सबर्ग एम्पायर वॉज पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल, जस्टिफाई। तो
हमें ये अच्छे से याद रखना है। अब हम हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में देखते हैं, वो किस तरीके से डिवाइडेड था, वहां पर कौन कौन से लोग थे, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स भी। तो देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट द हैब्सबर्ग एम्पायर जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल करता था। ये देखिए आपको पूरा मैप भी दे रखा है, मैं आपको मैप के थ्रू भी समझाने वाला हूँ। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ठीक है, वो उसके अंडर आता था। अब इसके अंदर अल्पाइन रीजन्स आते थे, हमें इस तरीके से याद रखना है। बैट्स, बैट्स मीन्स बोहेमिया, सदर्न लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड पैरो। ये देखिए आपको ये जो है ये रहा बोहेमिया बी, ऑस्ट्रिया एंड टायरोल एंड सडनलैंड। तो ये जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था, उसके बारे में दे रखा है। और देखिए आपको क्या दे रखा है, इन सारे रीजन्स में एरिस्टोक्रेट जो है, जो रिच क्लास ऑफ पीपल जो है, वो जर्मन लैंग्वेज बोलती थी। और वेयर एज इट ऑल्सो इंक्लूडेड लोम्बार्डी एंड वेनेशिया व्हेन पीपल स्पोक इटालियन। तो देखिए आपको मैप में समझाता हूँ, ये सब जो है वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, और यहाँ पे लोम्बार्डी एंड वेनेशिया जो है वो लोकेट करता है, बिकॉज ये इटली का रीजन है, तो इसीलिए यहाँ पर इटालियन बोला जाता था। ये पूरा जर्मन एम्पायर है, इसीलिए जर्मनी बोली जाती थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो इस मैप के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं अब आपको क्या दे रखा है। ऑन द अदर हैंड इन हंगरी, हंगरी की बात करें तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मैग्यार बोलती थी। ये देखिए आपको हंगरी दे रखा है, वो कौन सी लैंग्वेज जो है वो बोलते थे, मैग्यार। तो ऑब्जेक्टिव के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पूछते हैं हंगरी में विच लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती, तो हमें याद रखना है मैग्यार जो है वो बोली जाती थी, और आधे लोग जो है वो खुद की भाषा या डायलैक्ट जो है वो बोलते थे। नेक्स्ट हम गैलेशिया की बात करें, ये देखो आपको यहाँ पर दे रखा है, गैलेशिया जो है वहां पर जो हाई क्लास सोसाइटी जो है, एरिस्टोक्रेट जो है, वो पॉलिश लैंग्वेज का यूज करते थे। इवन पीजेंट जो यहाँ पर रहते थे, इस एरिया में जो पीजेंट जो रहते थे, वो भी अलग अलग एथनिसिटी या ट्रेडिशन या कल्चर से बिलोंग करते थे। देखिए आपको रीजन्स दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए आप बोहेमिया जो है, ठीक है, वहां पे बोहेमियंस रहते थे। नेक्स्ट आपको स्लोविंस दे रखा है, ये देखिए आप कैरोलिना में स्लोविंस बोली जाती थी। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्रॉट, क्रॉट जो कि साउथ में है, ये रहा क्रोएशिया, तो वहां पर क्रॉट्स बोली, क्रॉस जो है वो लोग रहते थे। रोमन्स जो है ट्रांसिल्वेनिया में रहते थे, रोमन्स जो है वो कहाँ पर रहते थे, ट्रांसिल्वेनिया में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ई पॉइंट, गैलेशिया की बात करें तो गैलेशिया में, ओके आपको ये याद रखना है, गैलेशिया की अगर हम बात करें तो गैलेशिया में पॉलिश लैंग्वेज का यूज किया जाता था, और पीजेंस जो है यहाँ पर जो रहते थे वो अलग अलग एथनिसिटी के थे, अलग अलग कल्चर के थे, और वहां पर अलग अलग, पहले हमने लैंग्वेजेस की बात करी, अब हम ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहला देखो आपको बोहेमियंस दे रखा है, बोहेमियंस जो है वो बोहेमिया में रहते थे। यहाँ पर आपको दे रखा है स्लोवैक्स, यहाँ पर स्लोवैक्स रहा करते थे। नेक्स्ट आपको स्लोवीन्स दे रखा है, ये देखिए आप स्लोवीन्स जो है वो कैरोलिनिया में थे। और नेक्स्ट आपको दे रखा है रोमन्स, ये देखिए रोमन्स जो है वो ट्रांसिल्वेनिया में रहते थे। तो आई होप आपको ये सारे रीजन्स, लैंग्वेज, कौन कौन से ग्रुप थे, वो मैप के थ्रू एकदम अच्छे से मेमोराइज हो गया हो। लेकिन यहाँ पर एक बात की गई है, हमने कॉन्सेप्ट देखा था हम साथ साथ है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग हो। अगर हम हमारे ही घर में अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, अलग अलग कल्चर फॉर्म कर रहे हैं, तो कभी भी हम एक नहीं बन सकते। तो यहाँ पर यही चीज दे रखी है, सच डिफरेंसेस इज नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। हम कभी भी यूनाइट नहीं हो सकते जब हम हमारे ही घर पर रहकर अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, और अगर हमें साथ रहना है तो हमें कॉमन लैंग्वेज जो है वो यूज करनी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से वो लोग जो है वो जुड़े हुए थे, जो कि था लॉयल्टी और एलिजेंस टूवर्ड्स द एम्परर। बस बाकी सारी चीजें जो है, लैंग्वेजेस, कल्चर, वो सब अलग था। तो इस तरीके से अगर होगा तो नेशनल यूरोप जो है उसमें नेशनलिज्म कैसे आएगा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं क्रक्स में आपको बता देता हूँ, फिर से फटाफट से बता देता हूँ। बैट सीजन की बात करें, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सटनलैंड और बोहेमिया, और इसके अंदर हमने देखा कि एरिस्टोक्रेट जो है जर्मनी में वो जर्मन जो है वो बोलते थे, और लोम्बार्डी और वेनेशिया में वो इटालियन बोलते थे। नेक्स्ट हंगरी में वो मैग्यार बोलते थे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, और गैलेशिया में
पॉलिश बोला करते थे, बिकॉज वो रशियन एम्पायर था, इसलिए वहां पर पॉलिश लैंग्वेज का यूज किया जाता था. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव. इवन वहां के जो पीजेंट जो थे वो अलग अलग एथनिसिटी से बिलोंग करते थे. फिर हमने ग्रुप के बारे में देखा, बोहेमियन स्लोवैक्स जो है नॉर्थ में रहते थे, स्लोवीन्स कैरेलोनिया में, क्रोट्स जो है वो साउथ में, और ट्रांसिल्वेनिया में रोमन्स जो है वो रहते थे. आई होप अब आपको ये टॉपिक जो है मैप के थ्रू एकदम इजीली क्लियर हो गया हो. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है द एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री एंड द न्यू मिडिल क्लास. दो सोसाइटी जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थी. तो सबसे पहले टू क्लासेस के बारे में दे रखा है, दैट इज एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट्री. देखो आपको यहाँ पे पिक्चर से भी समझ में आ जाएगा कि एरिस्टोक्रेट्स जो है वो रिच क्लास से बिलोंग करते थे. सोशली और पॉलिटिकली वो एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, उनके पास काफी ज्यादा जमीन जो होती थी, एंड वो डोमिनेंट थे. वो दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप थे लेकिन कम थे, लेकिन वो दूसरों पर अपना डोमिनेंस जो है वो दिखाते थे. मेंबर जो है इस क्लास के वो कॉमन वे ऑफ लाइफ से सब एक ही तरह का ट्रेडिशन अपनाते थे, कल्चर जो है वो तो भी यूनाइटेड थे कॉमन वे ऑफ लाइफ से. सिर्फ एरिस्टोक्रेट की यहाँ पर बात हो रही है. नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है कंट्री साइड की. अगर हम गांवों की बात करें तो उनके वहां पे बहुत सारे एस्टेट थे और बहुत सारे टाउन हाउसेस भी वो ओन करते थे, बिकॉज वो काफी ज्यादा हाई क्लास सोसाइटी और रिच थे. नेक्स्ट आपको दे रखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन लैंग्वेज बोलते थे, दैट इज फ्रेंच, फॉर डिप्लोमेसी या पॉलिटिकल पर्पस हाई सोसाइटी में, ताकि के वो सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाकर रखे. और नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है उनकी फैमिली जो है एरिस्टोक्रेट, स्पेसिफिकली एरिस्टोक्रेट्स की फैमिली जो है वो यूनाइटेड थी बाय द वे ऑफ मैरिज. वो अपने ही क्लास में जो है वो मैरिज वेडिंग करते थे. नेक्स्ट, लेकिन हमने पहले ही देख लिया ये ग्रुप जो है वो माइनर है. नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप है प्रेजेंट्री ग्रुप, जो कि मेजोरिटी ग्रुप है. अब आपको पता ही है मेजर प्रेजेंट जो है, मेजर लोग जो है, पॉपुलेशन जो है वो पेजेंट्स थे, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द लैंड वॉज फार्म बाय टेनेंट. अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो वहां पे टेनेंट्स थे एंड स्मॉल ओनर्स थे. नेक्स्ट, अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें और सेंट्रल यूरोप की लैंड की बात करें तो वहां पर सर्व जो है वो कल्टीवेट करते थे. तो अच्छे से याद रखना है, वेस्टर्न पार्ट हमने देखा और ईस्टर्न पार्ट देखा. वेस्टर्न पार्ट की हम बात करें तो वहां पर टेनेंट और स्मॉल ओनर्स थे, और ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो हमने देखा कि वहां पर सर्व जो है वो लैंड को कल्टीवेट करते थे. तो आई होप आपको क्लियर हो गया, दो सोसाइटीज, एक ही सोसाइटी जो है वो दो क्लासेस में डिवाइडेड है, एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट्री. अब धीरे धीरे एमर्जेंस हुआ या ग्रोथ हुई या डेवलपमेंट हुआ मिडिल क्लास का. तो अब हम समझते हैं मिडिल क्लास जो कि रिवोल्यूशन करने लगे. सबसे पहला, ड्यूरिंग दिस टाइम द वेस्टर्न पार्ट्स एंड सेंट्रल यूरोप जो है वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही थी, बिजनेस हो रहा था और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था. अब ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रेड जो है उसकी वजह से एक नई सोसाइटी एमर्ज हुई जो थी मिडिल क्लास. तो ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, कैसे आई मिडिल क्लास, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड जो है उसकी वजह से एमर्ज हुआ एक नया क्लास, दैट इज मिडिल क्लास. फिर नेक्स्ट देखते हैं, धीरे धीरे टाउन्स की ग्रोथ होने लगी, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, टाउन्स की ग्रोथ हुई, नए नए कॉमर्शियल क्लासेस आने लगे वहीं पर. नेक्स्ट, सो ड्यूरिंग 19th सेंचुरी जो है एक नया सोशल ग्रुप जो है वो आया, और वो सोशल ग्रुप जो था वो क्या था, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लास, जिसके अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल थे जो कि पढ़े लिखे थे. और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये माइनॉरिटी में थे, स्मॉल नंबर में थे, और इट वॉज अमंग द एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास. इनकी वजह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जो है कि हमें लड़ना है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना है, वो बढ़ती गई. तो अब हम आप आई होप आपको ये समझ में आ गया हो. तो देखिए, दो क्लासेस थी, एरिस्टोक्रेट जो कि काफी ज्यादा माइनर थे, और पीजेंट्री जो कि, लेकिन कंट्रोल किनका चलता था, एरिस्टोक्रेट का चलता था, और पीजेंट्री जो है वो मेजोरिटी ग्रुप थे लेकिन इनका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं चलता था. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, यूरोप की बात करें देखो, एमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, उसके अंदर यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, कहाँ कहाँ पर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप और सेंट्रल पार्ट में टाउन जो है वो एमर्ज हुए, और नई कॉमर्शियल क्लास जो है वो एमर्ज हुई, और वर्किंग क्लासेस प्लस सोशल ग्रुप्स आए जिसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेस क्लास थे और प्रोफेशनल्स थे.
इन्हीं की वजह से, एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास की वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो अब बढ़ रही थी कि अभी हमें किसी भी कंट्रोल में नहीं रहना है। तो आई होप आपको ये डिविजन जो है वो भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए, हमने देखा, यहाँ पर ही देखा कि लोगों के अंदर, लिबरल मिडिल क्लास के अंदर एक लिबरलिज्म की फीलिंग जो है वो आने लगी थी। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। तो यहाँ पर लिबरल, सबसे पहले तो हमें मीनिंग एकदम अच्छे से याद रखना है। लिबरल मीन्स, जो कि एक लैटिन रूट वर्ड से आया है, लिबर, जिसका मतलब है कि हमें पूरी तरीके से फ्रीडम चाहिए, हमें फ्री रहना है। जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, अलग अलग जो लोगों के व्यू पॉइंट थे उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अगर हम न्यू मिडिल क्लास, जो कि अभी हमने पढ़ा, जो इमर्ज हुई, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, कि हमें पूरी तरीके से फ्रीडम चाहिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं चाहिए। पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात करें, हम सोसाइटी के लेवल पे या पॉलिटिकली बात करें, तो इट स्टूड फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ, हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, हमारे से ही गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबरलिज्म जो है उसका मतलब ये था एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। जो भी क्लर्जी को, ऑटोक्रेट्स को जो भी प्रिविलेजेस, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए गए थे, उनसे उन्हें फ्री होना है और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का पार्लियामेंट के थ्रू। अब 19th सेंचुरी में लिबरल्स जो है वो ये भी स्ट्रेस करते थे कि हमें हमारा राइट टू प्रॉपर्टी चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी जो है उसका पूरी तरीके से प्रोटेक्शन हो। इकोनॉमिक लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब होता है जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन के व्यू पॉइंट से क्या है लिबरलिज्म का मतलब। तो उनके लिए, बिजनेसमैन के लिए, अगर उन्हें बिजनेस करना है तो जो भी ट्रेडिंग में जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही, उनका रिस्ट्रिक्शन उन्हें चाहिए। तो देखिए, आपको लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। जो भी कस्टम ड्यूटीज और अलग अलग रिस्ट्रिक्शन जो है, अलग अलग बहुत ही हाई टैक्सेस जो है, उनसे उन्हें फ्रीडम चाहिए, ताकि के उनका गुड्स और कैपिटल जो है वो आसानी से मूव हो सके एक रीजन से दूसरे रीजन, और उन्हें बहुत प्रॉफिट हो। और इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने एक ग्रुप बनाया, कस्टम यूनियन और जोल्वेरियन, और वो प्रशिया के इनिशिएटिव से बना। और बहुत सारे जर्मन स्टेट ने अब डिमांड किया कि हमें अब फ्री होना है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाए गए हैं वो उससे हमें फ्री करना है। और इसके आने की वजह से यूनियन ने ट्रेड टैरिफ बैरियर्स या ट्रेड बैरियर्स जो थे वो खत्म किए, और जो करेंसीज जो थी उन्हें रिड्यूस कर दिया। 30 अलग अलग रीजन्स में करेंसी थी, उसको रिड्यूस कर दिया 2 से। आई होप आपको ये, हमें कैसे भी फॉर्म में इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं, हमें ये भी पूछ सकते हैं। यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। 19th सेंचुरी यूरोप जो है वो काफी ज्यादा लिंक्ड था आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। तो यहाँ पे हमें ये सेंटेंस पूछ लेंगे, और यहाँ पर हमें पूछ लेंगे जस्टिफाई और कमेंट। तो इसमें हमें ये याद रखना, हमें इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं व्हाट इज लिबरलिज्म, ऑन द पॉलिटिकली व्हाट वाज द लिबरलिज्म, इकोनॉमिकली व्हाट वाज द लिबरलिज्म, फॉर मिडिल क्लास व्हाट वाज द लिबरलिज्म। तो ये हमें अच्छे से इंडिविजुअली भी याद करना है और ओवरऑल क्वेश्चन के लिए भी याद करना है। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो देखो, सबसे पहला रूट वर्ड लिबर, जिसका मतलब है फ्री, देन मिडिल क्लास, उनके लिए मतलब क्या था, तो बिकम फ्री। पॉलिटिकली हम बात करें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हम बात करें तो उसके अंदर हमने 3 चीजें देखी, ऑटोक्रेसी और क्लेरिकल प्रिविलेजेस जो दे रखे उसका एंड हो, कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, और राइट टू प्रॉपर्टी या प्रोटेक्शन टू प्रॉपर्टी होना चाहिए। फिर इकोनॉमिक व्यू पॉइंट की बात करें तो उनके लिए था रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं स्टेट में वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाए। और उन्हों की रेवोल्यूशन की वजह से उन्होंने डिमांड करी कि हमारा गुड्स फ्रीली मूव हो, तो कस्टम यूनियन जो है या जोविल जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। आई होप अब आपको लिबरलिज्म का मतलब जो है, जो कि नए एडुकेटेड मिडिल क्लास जो आए थे, वहां से धीरे धीरे अब लिबरलिज्म जो है वो एमर्ज होने लगा, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। तो देखिए, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि अभी हमने देखा था उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो है उसी का एक्सटेंडेड पार्ट जो है वो दे रखा है। देखिए, हमने पढ़ा ही था फ्रीडम टू एक्सेस टू मार्केट, तो हमने ये चीज पहले ही पढ़ ली है। इन इकोनॉमिक स्फीयर, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें,
तो उनके लिए लिबरलिज्म या फ्रीडम का मतलब ये था कि हम आसानी से जो भी गुड्स जो है, कैपिटल जो है, वो मूवमेंट जो है एकदम स्मूथ हो, फ्लो जो है वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन जो है वो ना हो, और जो भी उनके गुड्स जो है परचेज सेल जो भी है वो ट्रेड और गुड्स के साथ साथ कैपिटल जो है उसका स्मूथ फ्लो हो। अब हम देखते हैं क्या क्या ऑब्स्टेकल लोगों को जो कि बिजनेस क्लास में थे, उन्हें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स जो है वो फेस करनी पड़ती थी। तो हमें एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं व्हाट वर द ऑब्स्टेकल फेस्ड बाय द मर्चेंट्स और ट्रेडर। तो देखिए, हमें इसको समझने के लिए एक जर्मन स्पीकिंग रीजन का एग्जाम्पल लेना है। सबसे पहला देखते हैं, हमने देखा ही था नेपोलियन जो है वो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो है वो लेकर आया था, हैड क्रिएटेड आउट काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज। प्रिंसिपैलिटीज का मतलब होता है द रीजन रूल्ड बाय द प्रिंस। उन्होंने देखो एकदम सिंपल कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम अगर बोले तो नेपोलियन जब आया था तो 39 प्रिंसली स्टेट जो थे वो हो गए थे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अब 39 रीजन प्रिंसली स्टेट्स थे और 39 के 39 रीजन्स में अलग अलग खुद की करेंसी थी, इसका अलग, इसका अलग, इस टेरिटरी का अलग, तो सबके करेंसी जो है वो अलग थी और वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम भी अलग था। तो इसीलिए लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी होता था कन्वर्जन में। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है जो कि रिलेटेड है कस्टम या ट्रेड बैरियर्स या टैक्सेस से। अगर कोई मर्चेंट जो है वो ट्रेवल कर रहा है हैमबर्ग से न्यूरमबर्ग, तो उसे 11 कस्टम ड्यूटी से जाना पड़ता था। कस्टम ड्यूटी वहां पर उसे टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ते थे, और ये ईयर हमें याद रखना है 1833 में, और 11 कस्टम बैरियर्स में उन्हें हर जगह 5% 5% जो है वो कस्टम ड्यूटीज जो है वो पे करनी पड़ती थी। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूटीज के बारे में दे रखा है। ड्यूटीज जो है वो जनरली मेजर की जाती थी वेट्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ द गुड्स। अब हमने यहां पर देखा था कि अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स है, इस यहां पर गया कोई तो उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा कितने ड्यूटी होगी वेट के हिसाब से, फिर वो दूसरे रीजन गया वहां पे वेट जो है अलग होगा उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो आपको शॉर्ट में दे रखा है, ड्यूटीज जो है वो चार्ज की जाती थी वेट्स एंड मेजर्स के हिसाब से अलग अलग। यहां पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है द मेजर ऑफ द क्लोथ वॉज एल, ये भी अच्छे से याद रखना है, एक्सट्रैक्ट इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। जैसे हम सेंटीमीटर मीटर का यूज करते हैं वैसे ही उस टाइम पर एक मेजरमेंट था क्लोथ का जो कि था एल। तो अगर कोई पर्सन फ्रैंकफर्ट में है तो देखिए विच इज इन द रीजन, एन एल इज अ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन अ फ्रैंकफर्ट वुड गेट 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। यहाँ पर न्यूरमबर्ग की बात करें तो 65.6 और फेयरबर्ग की बात करें तो 53.5। तो अलग अलग जगह अलग अलग कैलकुलेशन हमें करना पड़ता था जिसकी वजह से बहुत ही कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता था किस तरीके से कैलकुलेट करा जाए, और ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम भी होता था। तो ये देखिए आपको लिखा हुआ, ये जितनी भी ऊपर बैरियर्स जो दे रखी है वो बिल्कुल भी बिजनेस फ्रेंडली नहीं थी, और वो ऑब्स्टेकल थी इनकी इकोनॉमिक या ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए। और इन सब ऑब्स्टेकल की वजह से सब डिमांड करने लगे बिजनेसमैन मर्चेंट्स जो है वो एक यूनिफाइड, एक सिंगल सिस्टम होना चाहिए बिजनेस क्लासेस के लिए, ताकि के वो अपना गुड्स का मूवमेंट एकदम फ्री रख सके, पीपल का मूवमेंट एकदम फ्री हो, कैपिटल का मूवमेंट एकदम फ्री हो। और इसीलिए एक सिंगल सिस्टम को लाने के लिए उन्होंने एक डिमांड करी कि हमें अब फॉर्म करना चाहिए एक कस्टम यूनियन, और जोवेलियन को हमें फॉर्म करना चाहिए। तो अब हम समझते हैं कस्टम यूनियन से जोवेलियन क्या है, हमें एग्जाम में ये भी काफी बार पूछा जाता है। तो अच्छे से इसका दूसरा नाम जो है वो है जोलवेरियन, और 1834 में जोलवेरियन जो है वो लोग प्रशिया की डिमांड से आया, इनिशिएटिव मीन्स किसी चीज की शुरुआत करना। तो प्रशिया ने डिमांड किया कि अब ये जो भी स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन जो है वो हट जाने चाहिए, और इसको बहुत सारे जर्मन स्टेट जो थे मेजर उनका सपोर्ट मिला और इसको ज्वाइन किया। और एम क्या था एस्टेब्लिशमेंट का, सोलवेन का, वॉज टू बाइंड द जर्मन इकोनॉमिकली इन टू अ नेशन। सब जो है हर जगह एक सिंगल सिस्टम हो और लोगों के अंदर यूनिटी भी आए और बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमें एम भी पूछते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से एम भी हमें याद रखना है। और जब सोवेरियन या कस्टम यूनियन आया तो उसके एस्टेब्लिशमेंट से जो भी अभी हमने ये सारी जो ऑब्स्टिकल्स पढ़े, ट्रेड बैरियर्स जो थे वो
वो कम कर दिए और अलग अलग हमने देखे करेंसीज थे, ओके हमने यहां पर देखा था अलग अलग करेंसीज जो थे, तो यूनियन ने जो भी ट्रेड बैरियर्स थे, जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, उनको पूरी तरीके से रिमूव किया और जो अलग अलग करेंसीज जो थी उनको 30 से सिर्फ और सिर्फ 2 में मिनिमाइज कर दिया, इतना कम कर दिया बिकॉज ऑफ कस्टम यूनियन एंड डिमांड विद द इनिशिएटिव ऑफ रशिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हुआ, नेटवर्क जो है रेलवे का वो बहुत ही अच्छे से डेवलप हुआ और रेलवे के थ्रू मोबिलिटी जो है गुड्स की वो बहुत ही ज्यादा बढ़ी और लोगों को प्रॉफिट भी हुआ इकोनॉमिकली और लोग जो हैं वो आपस में मिलने लगे और वो नेशनलिज्म के आइडियाज जो है वो शेयर करते थे, तो इसकी वजह से इट क्रिएटेड अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो बढ़ती जा रही थी। तो ये फायदे हुए कस्टम यूनियन और सर्बियन के हिसाब से। आई होप आपको ये टॉपिक जो कि स्पेसिफिकली ओनली फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के दे रखा है, इसके एग्जाम्पल्स हमने एकदम अच्छे से समझे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू राइट टू वोट और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो अब हम बात करते हैं, हमने पहले भी देखा है, यहाँ पे हम डायरेक्टली देखते हैं राइट टू वोट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर दे रखा है कि कोई भी इक्वालिटी ऑफ वोट जो थी वो नहीं थी, किसी को वोटिंग राइट्स थी किसी को नहीं थी। अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें जब हुआ था तो पीपल वर ग्रांटेड द राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी तो मिली थी लेकिन राइट ऑफ वोट जो है वो सभी को नहीं मिला था, सिर्फ और सिर्फ किसे मिला था, देखिए आपको ओनली द मैन विद प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हें ही वोटिंग राइट्स दिए गए थे। जो भी मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है या वुमेन जो है वो एक्सक्लूड किए गए थे, उन्हें कोई भी वोटिंग राइट जो है वो नहीं मिले थे। इट वॉज ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड अंडर द जैकोबिन्स, सिर्फ जैकोबिन्स के टाइम पर एक नया रूल आया था, ओनली एट द टाइम ऑफ जैकोबिन क्लब, के ऑल अडल्ट मैन भले ही उनके पास प्रॉपर्टी है नहीं है, तो इट वॉज ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जैकोबिन जब जैकोबिन क्लब एस्टैब्लिश हुए थे उसी टाइम पर अडल्ट मैन भले ही उनके पास प्रॉपर्टी है नहीं है उन्हें राइट टू वोट मिला था, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जब जैकोबिन क्लब एग्जिस्ट करता था। लेटर ऑन जब फिर से जब नेपोलियन आए, जब उन्होंने नेपोलियनिक कोड लेकर आए, तो राइट ऑफ सफरेज जो है वो फिर से फ्यू मेंबर्स पर लिमिट कर दिया, जो चेंजेस आए थे जैकोबिन क्लब्स की वजह से वो फिर से चले गए। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, नेपोलियनिक कोड में वुमेन जो है उन्हें माइनर माना जाता था और वो किसके कंट्रोल में, किसके अथॉरिटी से काम करते थे या किसके कंट्रोल में थे, फादर्स और उनके हस्बैंड में, तो वो काफी ज्यादा माइनर माने जाते थे और उनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे, उन्हें अपने फादर्स और हस्बैंड के कंट्रोल में ही रहना पड़ता था। नेक्स्ट इसीलिए उनके पास राइट टू वोट नहीं था और इसकी वजह से बिकॉज वुमेन जो है उन्हें भी अब राइट्स की जरूरत थी, राइट चाहिए थे उन्हें, तो इसीलिए वुमेन और नॉन प्रॉपर्टी मैन ने डिमांड की कि हमें भी अब इक्वल राइट्स की जरूरत है। देखो आपको एकदम शॉर्ट में दे रखा है, कोई इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स नहीं थी, ड्यूरिंग एफआर की बात करें तो भी कोई इक्वालिटी राइट नहीं थी, ओनली राइट्स इसको थी ओनली मैन विद द प्रॉपर्टी, वुमेन्स को एक्सक्लूड किया गया था। नेपोलियनिक कोड जब आया और हमने जैकोबिन्स क्लब्स के बारे में देखा कि ओनली जैकोबिन क्लब्स के टाइम पर भले ही उसके पास प्रॉपर्टी हो ना हो तो उन्हें राइट दिए गए थे, लेकिन जैकोबिन क्लब जब चला गया तो नेपोलियनिक कोड आया और उसमें वुमेन को ट्रीट किया जाता था माइनर और देवर सब्जेक्ट टू कंट्रोल अंडर द हस्बैंड एंड फादर्स, और उन्हें कोई भी राइट नहीं मिले थे और उन्हें अब फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ और वो डिमांड करने लगे कि हमें भी राइट टू वोट चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक जो है राइट टू वोट वो भी क्लियर हो गया हो। तो दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट वन, हमने अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा, हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में, नेपोलियनिक कोड के बारे में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हमने देखे क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए थे। नाउ द सेकंड पार्ट जो है उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें और देखें, वहां पर भी एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है दूसरे जो मेन टॉपिक्स जो है उसके दे रखे हैं विद द नोट्स।